हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसमें देखेंगे आज देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या आज देर रात आपको सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं? क्या है उनकी फीलिंग्स? आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या इनके पार्टनर की फीलिंग्स? फ्लर्ट, ओके। ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहा है, आपको छेड़ने के बारे में सोच रहा है आपके साथ। बिल्कुल फ्लर्ट करना इस व्यक्ति को, ठीक है? और क्या इनकी फीलिंग्स? यूनिवर्स मुझे बताएं। कीप एन ओपन माइंड, ओके। आप मैं ऐसा देख पा रही हूँ जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपके वो पार्टनर है जिनके साथ आप नए हो, आप ऑलरेडी इनके साथ लव रिलेशनशिप में रह चुके हो। ये कोई नए वे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे वही पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो आपका सोलमेट है, या आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। इनके साथ आपने ऑलरेडी लाइफ जिया है, ज़िंदगी को जिया है, ठीक है? आप दोनों कभी साथ में रहे हो इनके साथ, राइट नाउ आप मुझे सेपरेटेड दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो इस व्यक्ति की फीलिंग्स ऐसा है, अब ये आएंगे आपके पास या बातचीत करेंगे, या जैसे भी इनका बिहेवियर होगा, इनका एक्शंस होगा, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे, टोटली ऐसा होगा ना कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है? आप एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल हटके इस व्यक्ति का एनर्जी आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा इनके एक्शंस, इनका बिहेवियर, जो आपसे बात कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है या कर रही है, जो इस व्यक्ति ने पहले कभी नहीं किया था, कभी नहीं की थी, वो अब करेगा, अब करने वाली है या अब करने वाला है, ठीक है? आप अपना दिमाग खुला रखो और एक्सेप्ट करो इनको। ये आपका लव है, ये आपका सोलमेट है, ठीक है? ये व्यक्ति आपका सोलमेट है जो आपके साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहा है। जो पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है, हटके है, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, ये कुछ और ही निकले, बिल्कुल अलग है ये आपके एक्सपेक्टेशन से, आपकी उम्मीद से। ये एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का भी एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स आज देर रात, और क्या इनके पार्टनर की फीलिंग्स? हीलिंग फैमिली इशू, ओके। आप दोनों के बीच फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है? आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है फैमिली को लेकर, फैमिली इशू है आप दोनों के बीच, इसको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ मिलकर, ठीक है? जो आप दोनों के बीच फैमिली प्रॉब्लम है, ये ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली ने आपको हर्ट करा है, इनके पेरेंट्स ने आपको हर्ट पहुंचाया है। आप इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो, जो भी हो, या तो आपको इनके पेरेंट्स को माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद के पेरेंट्स को, या तो इनको, खुद के पेरेंट्स को या तो आपके, ठीक है? ऐसा कुछ है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, या तो इस व्यक्ति को, या तो आप दोनों को ही, ठीक है? तो आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अगर उनसे गलती हुआ है, या उन्होंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया, आपको हर्ट पहुंचाया, तो आप माफ़ कर दोगे, इनको उम्मीद है, ठीक है? आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो, काफ़ी स्वीट हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, सोलमेट हो, इनके सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप माफ़ कर दोगे, ज़रूरत है यहाँ पर माफ़ी के,
ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है आज देर रात, और क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में, क्या इनके पार्टनर की फीलिंग्स और अट्रैक्शन जो कि हमेशा महसूस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनमें आपको लेकर, हाईली अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका टेंशन पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इन पर ध्यान दो, इनकी ओर अट्रैक्ट हो, इनकी पूरी कोशिश होगी। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपको जेलस फील कराने के लिए आपके फ्रेंड या आपके सिस्टर ब्रदर उनके साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जेलस फील कराने के लिए और कुछ नहीं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, मुझे ऐसे दिखाई दे रहे ना आप दोनों के फ्रेंड हेल्प करेंगे आप दोनों को मिलाने में, या तो ये अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले रहे हैं कि आपके कोई फ्रेंड का हेल्प लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछताछ करते हैं आपके बारे में। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड ज़रूर है आपके लाइफ में जिनसे पूछताछ करते हैं, जानते हैं आपके बारे में, जानकारी हासिल करते हैं, उनके हेल्प लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ना एक मैसेज और आ रहा है, आप किसी से हेल्प मांग सकते हो अपने फ्रेंड्स से, या कोई आप दोनों को मिलाने में आपके रिश्ते को लेकर किसी प्रकार का हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, कोई मदद कर रहे, कोई हेल्प कर रहे है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी है तो एक्सेप्ट केस है। ठीक है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है तो एक्सेप्ट केस है, ये हेल्प की ज़रूरत है, उनसे मंगिए, एडवाइस मंगिए या हेल्प मांगिए, वो बिल्कुल जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है वो करेंगे। ठीक है, ये पर्सन खुद ऐसा कर रहे हैं, मुझे किसी से हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका कोई फ्रेंड ज़रूर है जिसे व्यक्ति कांटेक्ट में है, पूछताछ करते हैं अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो, या आपको पटाने में उनका हेल्प लेंगे ज़रूर है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये जो पर्सन है मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंटली, इनके पार्टनर के मैसेज क्या है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपको कहना चाहते हैं आप दोनों का, अब से नहीं कब का कनेक्शन है रिलेशनशिप में हो, जन्मों जन्मांतर का आपका प्यार है, आपको देखकर आपके साथ जब रहते हैं देखते हैं, फर्स्ट टाइम आपको देखा तो ऐसा फील किया कि इसको मैं कब से जानता हूँ जानती हूँ, सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर को। रिकन्सिलेशन, जल्द ही आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, ये करेंगे। ठीक है, कोई पर्सन है जो कि आपके पास्ट से है, वो रिटर्न हो रहा है, वो वापस लौट रहा है आपके लाइफ में, आपके पार्टनर यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि ये लौट रहे हैं आपके लाइफ में रिकन्सिलेशन के लिए, रिकन्साइल होने के लिए। यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर? यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो इनके सिचुएशन को लेकर, इनके पार्टनर को लेकर क्या कहना चाहते हो आप मेरे व्यूवर को, क्या है आपका मैसेज? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाला है कनेक्शन में, रिश्ते में, आप लेट करने वाले हो, आपको वो मिलने वाला है जिसका इंतज़ार आपने कब से किया है, बरसों से किया है, जो आपको जैसा पार्टनर डिजर्व करते हो डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक वाइज इंटेलिजेंट, एक मैच्योर, एक सिक्योर लव आपको मिलने वाला है, एक ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है जो सिर्फ आपका होगा, आपकी होगी, ये सिर्फ आपके हैं। ठीक है, जिस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन होने जा रहा है, ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्रू पार्टनर है, ट्रू लव है, जो कि आपके लिए हमेशा स्टैंड लेगा, लेगी। ठीक है, ये आपको सेफ फील कराएगा, सिक्योर फील कराएगा, आप इनके साथ रिश्ते में सेफ फील करोगे। ठीक है, सिक्योर होगा, एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे ये पर्सन आपको, इस रिश्ते में आप ऐसे इस एनर्जी में रहोगे,
यूनिवर्स आपका और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या कहना चाहते हो? अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका अंतर्मन जो कह रहा है, आपकी अंतरात्मा जो कह रही है, आपको उसका सुनना है। स्ट्रगल फेस कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि काफ़ी स्ट्रगल है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। मर्जी आपकी, जो कुछ भी आपको करना है, ठीक है, अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रहा है, देगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील नहीं हुई है जो कि होने वाला है। आपको काफ़ी स्ट्रांग रहना है, आप काफ़ी स्ट्रांग हो। कहीं पर आपको अपने हार्ट को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर दिमाग का सुनने की ज़रूरत पड़ेगा, तो दोनों को साथ में लेकर चलिएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। गुड नाइट्स, टेक केयर।